नोटबंदी के बाद मार्केट में कैश फ्लो बिल्कुल कम हो गया है, और जब मार्केट में कैश ही नहीं है तो किसानों को वो कैश कहां से दे? उनके आंसू रोए हैं। अभी छोटे कृषि यंत्र में भी जीएसटी जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को काफी महंगा पड़ रहा है। 90% किसान जो है ना, वो नुकसान का ही धंधा है उसका। कुछ ही दिनों में हम 2-3 बड़े काम किसानों के लिए मैनिफेस्टो में डालने जा रहे हैं। एक प्रमुख समस्या लेबर की होती है। मेरा एक सुझाव है, कृषि को मनरेगा से जोड़ दिया जाए। और जैसे मनरेगा का अभी 221 रुपए रेट है और हम 300-350 रुपए लेबर को पेमेंट करते हैं, उसके बाद भी हमें लेबर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसा किया जाए कि किसानों को मनरेगा से जोड़ के 221 रुपए का शासन दे और बाकी ऊपर की राशि हम किसान दें, तो किसानों को भी 100-150 रुपए में लेबर मिल जाएंगे और मनरेगा का पेमेंट भी लेबर को हो जाएगा। हम लोग पुराने पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं। मैं 1985 का हिसाब निकाला था तो उस टाइम धान का रेट करीब 2 रुपये था और डीजल का रेट 2.25 रुपये था, और उस टाइम यदि बाइंग कैपेसिटी किसान का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम सोना का दाम 1100 रुपये था। यदि उससे हम लोग कंपेयर करें तो धान का रेट कम से कम 60-70 रुपये होना चाहिए, क्योंकि आजकल लागत बहुत हो जा रहा है। पिछले बार टीए दादा और आप लोगों का, भूपेश जी का सरकार अच्छा काम किया, उससे फ़ायदा हुआ था आप लोगों को? निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा हुआ। ये हमारा चुनाव का मैनिफेस्टो बन रहा है, इसमें हम किसानों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को नेशनल लेवल पे किसानों के लिए क्या करना चाहिए? स्वामीनाथन कमीशन आयोग की सिफारिश को लागू करना चाहिए सर। पहले ही लेकिन उत्पादन लागत का 1.5 गुना किसानों को प्रत्येक फसलों में मिलना चाहिए। अपनी जो फसल का उत्पादन अपन लेते हैं, धान की समर्थन मूल्य हम लोग को मिल रहा है सर, पर अन्य जो फसल है मार्केट में हम उसका रेट नहीं मिल पाता है। तो एक हम निवेदन था कि किसी तरह जो धान का समर्थन मूल्य लेते हैं उस तरह जो फसल का न्यूनतम राशि मिल जाए, ताकि हम किसान उसका न्यूनतम जो राशि है उसका तो हम पा जाए। ये जो बार बार 20,000 रुपये 10,000 रुपये देने की बात आ रही है, इसका एकमात्र कारण है नोटबंदी। नोटबंदी के बाद जो है मार्केट में कैश फ्लो बिल्कुल कम हो गया है, और जब मार्केट में कैश ही नहीं है तो किसानों को वो कैश कहाँ से दें? खाते में हमारे सबके पैसा है। मैं अपना बताता हूँ, मेरे छोटे किसान परिवार से हूँ मैं। हमारे यहाँ 2 लाख रुपये करीब होगा मेरे घर खाते में। 4 बार बैंक जा चुका हूँ, 2 बार पैसा निकाला, 20,000 रुपये में 40,000 रुपये में अपने घर में ले जाके दिया हूँ। ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ के किसानों की है। नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ आप सबको? किसी को फायदा हुआ नोटबंदी से? किसी को नहीं हुआ है। जिस दिन नोटबंदी हुई उसके अगले दिन मेरे बड़े वाले मामा खत्म हुए थे। हमारे पास ऐसे ही कुछ छोटे मोटे कामों में 100-200 रुपये 200 रुपये करके गए थे। बिल्कुल सच्चाई बात बता रहा हूँ कि 500 और 1,000 के नोट थे और वो सारे नोट खराब हो गए। हम लोगों को किन परिस्थितियों में मामा का अंतिम संस्कार किया है वो परिवार वाले ही जानते हैं। खून के आंसू रोए हैं, मामा के जाने का गम अलग, रीति रिवाजों में पैसे का खर्च अलग, बिल्कुल रोए हैं सब। अभी छोटे कृषि यंत्र में भी जीएसटी जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को काफी महंगा पड़ रहा है। जो पहले सस्ता पड़ रहा था, अभी 12% मतलब सेंट्रल और स्टेट मिला के, तो उसको अगर कुछ उसमें किया जाता तो सुविधा होती। और किसान तो मेरे ख्याल से 90% किसान जो है ना, वो नुकसान का ही धंधा है उसका। तो सिंहदेव जी मैनिफेस्टो कमेटी पे हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे डिस्कशन में लाया था। हमारा इंटरनल डिस्कशन चल रहा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में भी हमारा डिस्कशन चल रहा है। कुछ ही दिनों में हम 2-3 मतलब बड़े काम किसानों के लिए मैनिफेस्टो में डालने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको चारों ओर से घेरा जाता है, प्रेशर आप पर आता है। एक साल पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले, हजारों किसानों से मैं मिला, बातचीत की, और सारे के सारे यही कहते थे कि भाई सबसे बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ़ हो जाता है, हमारा कर्जा माफ़ नहीं होता। बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं, हमारे लिए बैंक के दरवाजे बंद होते हैं। अब आपने हमें बोला कि आपका ही पैसा आपको नहीं मिलता है। फर्टिलाइजर की बात, पेस्टिसाइड की बात सब जानते हैं। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान भोजन देता है, और किसान के बिना ये देश चल नहीं सकता। राहुल जी ने बहुत ही आराम से और सभी की बातें सुनी और सुझाव के बारे में कहा कि मैं जितना हद तक बन सकता है उसके ऊपर प्रयास करूंगा। बीजेपी इमोशनलेस है, उनको
उनमें भावनाएं नहीं है। जैसे कांग्रेसी राहुल जी में तो मेरे को लगता है करुणा है, प्यार है लोगों के प्रति। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि कांग्रेस गरीबों के साथ है और वो उद्योगपतियों के साथ है। कांग्रेस किसानों के साथ है, वो उद्योगपतियों के साथ है। कांग्रेस युवाओं के साथ है, वो व्यापारियों के साथ है। 3 या 4 बजट पेश हो चुके हैं और किसानों के 31 रुपये धान खरीदी को लेकर सरकार की कोई दिशा निर्देश नहीं है। उनकी ये सोच ही नहीं है कि वो किसानों का उनके हक का पैसा दें। 4-5 सालों से हमने जो दबा करके रखी थी, आज एक मौका मिला कि सीधे हमने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने ये बात रखी है। तो बिल्कुल, मैं राहुल गांधी जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा।